It's love. वो यदु चाहिए। वो बालक आपको जल्द ही मिलेगा महाराज। मेरे भाई की जिंदगी का शत्रु है तू। अरे जिस दिन से इसकी जिंदगी में आया ना, सिर्फ कष्ट दिया है तूने सुमेरु को। किसी काम की नहीं है ये गुलेल। और वैसे भी ये गुलेल सिर्फ एक खिलौना है और मैं कोई बच्चा नहीं जो इसे खेलूं। जानवर चाहिए मुझे, बलि के लिए जानवर चाहिए मुझे। जाओ जंगल में। ये तो भाला है ना, धनुआ के लोगों के जैसे भाला बना रहा ताकि ये दूर जाए। ये तो कमाल के चीज है यकलव्या। हाँ, इससे हम शूल दूर, बहुत दूर फेंक सकते हैं। इससे हम अपने शत्रुओं को अपनी सीमाओं से दूर रख सकते हैं। तू बहुत हिलो मत। ये लो। कहा था तुझसे नहीं होगा। इसे जीतने में ताकत लगती है। हाँ, इस रस्सी को खिंचाव चाहिए। एक बार इसे खिंचाव मिल जाए फिर देखना कितनी दूर जाएगा हमारा शूल। तुम्हारी गुलेल के लिए तो सुमेरु काली लचीले बेल लाता था। लचीली बेल पापा ने बताया था। कौन सा जंगल था वो? जंगली जंगल। चल मुझे वहां लेकर। जंगली जंगल जाना है तुझे? वही जंगली जंगल जहाँ आधे से ज्यादा जंगल पे सूर्य की रोशनी नहीं गिरती है। हाँ वही जंगली जंगल। अरे वही जंगली जंगल जहाँ के पेड़ जानवरों को इंसानों को कहा जाते हैं। मुझे वो लचीली बेल चाहिए। चलो चलो मुझे वहां लेकर चलो। चलो पागल है तू? हम तुझे जंगली जंगल ले जाएंगे। मरना नहीं है हमें। जंगली जंगल नहीं, आदम पर जंगल है। वहाँ इंसान क्या जानवर भी नहीं जाते। और इसे वहाँ जाना है। हाँ जाना है मुझे वहाँ। अपने शस्त्र को निपुण करना है। रोकना है मुझे उस धनुआ को, उसके शिकारियों को और उसकी माँ पूजा को। मुझे लचीली बेल चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ठीक है, वरना मैं चला। रुको एकलव्या, रुको। हम लचीली बेल ढूंढ लेंगे ताकि तुम उससे शूल और धारक बना सको, है ना? तुम्हें शस्त्र चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। सिकोरा तू भी? अरे तुमने तो सुनी है कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ। फिर भी हम सब ने सुनी है, मगर फिर भी हम वहाँ आ जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे हाथों में ये है तब तक हमारे दिलों में डर की जगह ही नहीं। इसलिए डर छोड़ो और चलो, अगर शस्त्र चाहिए तो। चलो एकलव्या हम चलते हैं।
ये सब आदम करू छे। देखो देखो क्या किया उसने। तो देख के चलना चाहिए था ना गिट्टन। देखना नहीं देखना एक ही है दीपोरा। आदम को रुक चाहिए, हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वापस चलते हैं। नुकीली है ये शाखा है। अच्छे शूल बन सकते हैं इनसे। वो देखो बिल। चलो इकला जा। ये भी लचीली नहीं है, हमें और अंदर जाना पड़ेगा। पागल है तू? और भी अंदर तो तू ही जा। हाँ तू भी जा, हमें नहीं चाहिए तेरा शूल और तारक। हम तो वापस जा रहे, बस चल बिट्टा। एकलव्या हमने सोचा तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, हम दो से जाएंगे साथ मरेंगे भी साथ। अच्छा ठीक है चलो फिर मुझे छोड़ो। अरे छोड़ो ना मेरा हाथ। अरे छोड़ो तो सही। देखा डर से सिर्फ बुरा ही होता है, इसलिए अब बिना डरे साथ चलो। अरे चलो ना चलो।
भी सोच रहा है अपने क्षेत्र के बारे में? बस एकलव्य भाग जाते, ये पहले तो बती जाती है, दिखती छोटी है, एक बार लंबी होती है तो होती ही जाती है। चल भाग जाते एकलव्य। तुम सही कह रहे थे गिट्टन, ये बेले बढ़ती ही जा रही हैं, लंबी होती ही जा रही हैं। ये बेल लचीली है, चुन लो सब अपनी अपनी, सबके शस्त्र बन जाएंगे। पीछे पीछे भागता है, पहले वो आतंकवादी विष और उसके बाद ये जंगली विषैली मधुमक्खियाँ। तू तो छुपी है, सबसे पहले तू ही फंसा था उन बेलों में। मैं नहीं, तू फंसा था। पर मेरे कारण ही वो बेले भी मिली, वरना ढूंढते रहते अब तक उन बेलों को। अब तो अपने पास क्षेत्र तैयार है ना एकलव्य? लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? भागते भागते हम लोग कहाँ गए? हम जंगल के किस कोने में, हमें तो वो भी नहीं पता। हम रास्ता खो चुके हैं, भटक गए हम लोग। इसमें चिंता की कोई बात नहीं, मुझे सारे रास्ते मालूम है। हम यहाँ से आए थे, यहाँ से चलते, चलो। अरे रुक, इधर से नहीं आए थे हम, ऐसे लाल पत्ते वाले उर्चे नहीं थे जहाँ से हम आए थे। गलत रास्ता ये, मैं उत्तर और दक्षिण में पहुंच जाता हूँ। हम दक्षिण से आए थे, उधर ही जाना है हमें, कभी दक्षिण कभी उत्तर। हो गए हम, रास्ता भटक चुके हैं, इस जंगल में बच चुके हैं हम। मैं ना बचपन से सुनते आया हूँ, इस जंगल से लोग वापस नहीं आते। आज मालूम पड़ा क्यों लोग वापस नहीं आते थे? क्यों वापस नहीं आते थे?
क्योंकि यहाँ आने वाले लोग सब तेरी तरह मंद बुद्धि के थे। मृत्यु के पास जो स्वयं चला है वो मंद बुद्धि होगा ना हमारी तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना एकलव्या? छोटा शिकार बड़े शिकार को लाएगा। देखो देखो आवाज आई, कुछ आ रहा है। भेड़ फंसी है, चिल्ला रही है वो, शायद उसे सहायता की जरूरत है। एकलव्या मैं देखती हूँ, नहीं रुको, देखो वहां घास ही नहीं है, और अगर हम पीछे देखें तो वहां घास ही घास है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो भेड़ उस खास वाली जगह पे ना होकर यहाँ क्या कर रही है। बिटन बिटन वहां शांत रहो, आता हुआ जानवर ही भाग जाएगा।